नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है धाकर न्यूज के इस ताजा तरीन एपिसोड में। आप देख रहे हैं धाकर न्यूज, विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क, से धर्मेंद्र धाकड़ के साथ। तो अभी जैसा कि आप न्यूज में देख रहे होंगे जी, कि आदमी बिना पासपोर्ट बिना वीजा के उछल के इधर से उधर पहुंच जा रहा है, तो उसी के सिलसिले में हम रिपोर्टिंग करने गाँव में आए हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो पाकिस्तान की है, बीमा है दर, 6 बच्चों के साथ बिना पासपोर्ट बिना वीजा के लंपू सचिन नाम के एक व्यक्ति से मिलने यहाँ पे आ गई है। और जो भी हमारा मीडिया है, जो मेन चीज़ों पे अटेंशन देना चाहिए, जो सेंसिटिव मामला है उसको छोड़ के सारा रंडी रोना यहाँ पे लगाया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे आए ताकि इस मैटर को एक ही बार में बेंचो सॉर्ट आउट कर दे, कि लोग बार बार इसको नहीं मुद्दा बनाए। ये देखिए यहाँ पे लोग हैं, सब साला चोर लग रहा है, मीडिया वाला यहाँ आया है, पड़ोसी भी दिख रहे हैं, इनसे बात करते हैं। आप पड़ोसी हैं क्या? हाँ, हम पड़ोसी हैं जी। तो ये बताइए कि पाकिस्तान से औरत लेके आ जा रहे हैं आपके पड़ोसी, तो कैसा लग रहा है आपको? आप कहाँ बताएं, ये सब देख देख के तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। सचिन कहाँ है? सचिन में लप्पू सा तो है सचिन, मुंह में बोला उसके जात ना है, बोलना उसे आता नहीं है, खड़ा उसका होता नहीं है, झिंगूर सा लड़का है सचिन। कोई उसके लिए नाला पार ना करे, पाकिस्तान से आएगी? मतलब नहीं आना चाहिए। दाल में कछु तो काला है। ये देखिए यहाँ पे हमें खबर मिली, दाल में कुछ काला, और साथ ही साथ है कि लंपू सचिन का खड़ा नहीं होता है। एक्सक्लूसिव न्यूज है धाका न्यूज पे। यहाँ देखिए इन लोग साला बाथरूम के बाहरी अति लगा ले जी, इनसे पूछते हैं कोचिए जी, ए बाथरूम के बाहरी काला खड़ा है, अंदर गई है वो? कौन अंदर गया है? बीमा है जी। तो तुम लोग साला हागने भी नहीं दे रहा है, अंदर गई है तो है? हम लोग अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रिपोर्टिंग ला, रिपोर्टिंग कर रहा है यहाँ पे। अरे साला, अरे साला, हाथ तो धोने दो, चलो धो धो बढ़िया से, साबुन से हाथ धो। ये साला हाथ भी नहीं धोने दे रहा है साला, ये रिपोर्टिंग होता है क्रिमिनल के? चलो, अरे का ये सब साला अति कर रहा है, तुम कुछ कर रहा है जी? रिपोर्टिंग कर रहे जी। रिपोर्टिंग कर रहा है, यूट्यूब पर पत्रकार है? हाँ। अच्छा, तो उन लोग कहाँ गया जी? अरे उधर भागे, उधर उन लोग सब उधर गया है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लाइव आपको दिखाएंगे कि जो सीमा है, बीमा जो है, उनका जो मैटर है क्या चल रहा है और क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही है। तो लाइव आइए, हम आपको दिखाते हैं धाकर न्यूज पर, और एकदम एक्सक्लूसिव खबर है। पाकिस्तानी साड़ी लग रहा है जी, आइए मेरे साथ देखिए। अरे हमारे से पहले ही इंटरव्यू लो बैठ गया है साला, हम आए हैं ना धाकर न्यूज़ से, यहाँ पे चलो उधर, यहाँ पे देखिए आपको स्वागत है धाकर न्यूज़ में। देखिए लाइव यहाँ पे एक्सक्लूसिव बैठी हुई है बीमा इधर, और उनके साथ एक बच्चा भी है, उनका 6 बच्चों में से एक सचिन है। अच्छा, तुम लंपू सचिन जी? हाँ, हम ही है। अच्छा, तो पहली बार कहाँ मिले थे आप लोग? हम लोग एक पबजी गेम में मिले थे। अच्छा, पबजी में? तो इंडिया में तो पबजी बैन हो गया ना जी, चालू हो गया। हम साला डाउनलोड नहीं किए हैं, अभी कर लेंगे डाउनलोड। तो अच्छा ये बताइए, इंडिया में आई कैसे आप? सर मैं इंडिया आने के लिए वीज़ा लगा रही थी बट कैंसिल हो गया था, फिर मैं दुबई गई, और दुबई में थाईलैंड में इनका वीज़ा रिवाइवल हो गया, फिर ये वहाँ आया, मैं इनके साथ नेपाल गई, नेपाल से सीधे यहाँ आई। अच्छा, मतलब दुबई से थाईलैंड, थाईलैंड से नेपाल, नेपाल से इंडिया। तो मतलब क्या आप मतलब पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करती हैं आप? नहीं, मैं नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है? तो बताइए, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है दल्लूपुरा गांव, वहाँ हमको 4 आदमी को ले जाने का पैसा नहीं है, और आप 6+1 7 आदमी का टिकट लेके 3-4 देश होते हुए आए। पाकिस्तान का हालत भी, इकोनॉमी का भी खास्ता है, पैसा कहाँ से आया? मैं हमेशा पैसा सेविंग करके रखती थी। इतना अच्छा, बचा के रखती थी पैसा आप? तो ये जो 6 बच्चे हैं आपके जी, तो 6 बच्चों में सबसे छोटा की क्या है उम्र? 2 साल है। सबसे छोटा 2 साल का है, ठीक है। तो अपने पति जो थे तो कुछ तो देते ही होंगे, पति को छोड़ के क्यों आ गई आप? सर वो हमेशा काम में बिजी रहते थे, और इसमें कतर में 4 साल हो गया, आज घर नहीं आए। मतलब कतर में थे 4 साल से घर नहीं आए हैं, और छोटा बच्चा का 2 साल का है। वेरी वेरी स्ट्रेंज, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। तो मतलब तुम साला जासूसी करने तो नहीं आई हो जी? हाँ नहीं सर, मैं कोई गलत आदमी नहीं हूँ, ना ही कोई जासूस हूँ, यहाँ जासूसी करने नहीं है, मैं इनके प्यार में आई हूँ। यही तो डाउट है कि इनके प्यार में आई हो, शकल देखिए, मतलब झिंगुर सा व्यक्तित्व, अभी औरत बोली इसके प्यार में आ गई हो। हम लोगों को बोला साला गली में नहीं आई, अभी पाकिस्तान से इनके लिए आई है, चेहरा देखिए इनका। हम मतलब यही डाउट है मेनली। तो बताइए कि पाकिस्तान में तो उर्दू बोला जाता है, लेकिन आपकी भाषा एकदम तड़ातड़ हिंदी बोल रही हैं आप? सर पबजी गेम खेलते खेलते और इनसे बात करते करते मेरी, मैं सब कुछ वहाँ का भूल गई हूँ, अब मैं यहीं रहूँगी इन्हीं के साथ। मतलब इनसे बात करते करते आदत हो गया। तो देखिए इंडिया में ऐसा है, इंडिया का कहीं भी कोई देश ले लीजिए, तो ऐसा है कि बिना मतलब
वीज़ा पासपोर्ट के कोई आता है तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है, यानी कि वापस भेज दिया जाता है। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है सर, बट मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मुझे बाहर ना निकालें, क्योंकि मैं इनके बिना नहीं रह पाऊँगी। मतलब आपको किसी ने सिखा उखा के नहीं भेजा है कि ऐसा इंडिया जाके बोलना है? सर मुझे ट्रेनिंग कौन देगा? कोई ट्रेनिंग नहीं देगा? नो सर। तो ये मतलब प्यार ही है आपका? यस yes, मैं प्यार करती हूँ इनसे। तो ये देखिए कहना है कि इनसे प्यार करती है। और अच्छा एक और बात बताइए, जो 6 बच्चे हैं आपके, बाथरूम से आई? कितना बाथरूम जाती है जी? बार 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 बाथरूम? तुमको साला यहाँ पर कोई नहीं मिला था इंडिया में? नेपाल पाकिस्तान पहुँच गया तू नेपाल के रास्ते? सर हमको बहुत तकलीफ है। तो होगा नहीं साला, यहाँ एक औरत का पेट पालने में आदमी का फट जाता है, अभी 6 बच्चा वाली औरत के लेके आया है तू? मैंने इतना कह खड़ा है जी इधर, क्या क्या हो तुम, कौन हो? पड़ोसी है जी। उनके पड़ोसी हो? तो ये बताओ कि मतलब लेके आए हैं बगल वाली औरत, तो घर वाला कुछ कहता नहीं है? कहते हैं जी। क्या क्या कहते हैं? कहते पबजी बंद कर दिया है हमारा। अच्छा। खेलने ही नहीं देते, कहते तुम भी ले आओगे कोई। अच्छा मतलब इसलिए तुम भी कोई रीमा तीमा को मतलब इसलिए बैन हो गया पबजी? बिल्कुल। वेरी सैड जो यंगस्टर हैं। अरे बेटी चल, बार बार कह रहा कि हम इंटरव्यू यहाँ पे ले रहे हैं ना, साला समझ में नहीं करता, गाड़ी फाड़ देंगे। देखिए हमारे साथ बीमा जी वापस आ गई हैं, तो इनसे एक और सवाल है कि इंडिया में जैसे आपने कहा कि अब यहीं रहना चाहती हो, तो क्या क्या सीखा इंडिया का आपने? सर हम यहाँ से बहुत कुछ सीखे हूँ, जैसे बात करना, प्रणाम करना। मैं प्रणाम करके दिखाती हूँ आपको। अरे मुझे कल रहने, अरे ठीक है रहने दीजिए, पैसा वैसा ना है। अरे चलो आशीर्वाद इनको दे दिया जा रहा है। नाम कुछ है तुम्हारा? बिल्ला आजाद हैदर। बिल्ला आजाद हैदर, देखिए नाम है सब। अरे धरो की माई के चोदो के धरो, साला बिल्ला आजाद हैदर है, वो साला औरत नहीं है आदमी है। अभी देखिए बाल उसका यहाँ पे निकला है, बीमा नहीं है बिल्ला है। और तुम सुन एकदम लंदूर आदमी है, तुमको पता नहीं चला 3 महीना से आदमी है कि औरत है? सर वो हमको बताने ही नहीं देता था, और हम तो आपको बोले ही थे कि हम बहुत तकलीफ में हैं। बताने ही नहीं देता था? तकलीफ तकलीफ क्या है तुम्हारा? क्या है साल, मतलब 3 महीने से वही मार रहा था जी तुम्हारा? हाँ सर 3 महीने से यही तकलीफ लेके घूम रहे थे। बहुत बहुत दर्द हो रहा होगा उसको। वो आदमी कहता है कि सचिन बोलता नहीं है, बोलता नहीं है, ला बोलेगा सचिन। देखिए मुँह देखिए इसका, साला 3 महीने से पता नहीं का अंदर ले रहा है, बोल ही निकलेगा इसका बेचारे का। तुम बैठ जाओ, तुम थोड़ा मलहम उलहम लगाना, ठीक हो जाएगा। तो देखिए यही मैटर था इनका, और लोगों से सलट नहीं रहा था, हमने लाइव यहाँ पे सुलझा दिया है। जो औरत नहीं आदमी बन के आया था उसको भी धरत भाई बाथरूम से निकालो। आप लाइव देख रहे हैं धाका न्यूज़ पर, तो यही हमने आपकी रिपोर्ट यहाँ पे आपको लाइव दिखाई है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप प्रोमो भी डाउनलोड कर ले। इन्हें उन्हें ओपिनियन देने से क्या फ़ायदा है, ऐप पे दीजिए और कुछ कमाइए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए लोग, अरे साला रिपोर्टिंग ला कर रहा है, निकालो उसको, निकालो अंदर से। फिर बाथरूम में चली गई यार। ओ माय गॉड गाइस, क्या ही वीडियो है। एंड आप सभी को इस बारे में पता ही होगा कि कोई आई है हमारे देश में, एंड आई थी हमारे देश में, एंड पता नहीं अब कहाँ है वो। अभी नहीं है, झिंगूर सा वो सचिन है। मैं सीरियस हूं, मतलब वो बंदी के हिम्मत बट पड़ोसी लोग, पड़ोसी मस्त है भाई, सैवेज है बिल्कुल। जो आंटी है क्या है, इतनी फेमस हो चुकी है ना, मैं बता रही हूँ सीरियसली। पूरी की पूरी जो मीडिया है गाइस, वो सिर्फ इनके पीछे पड़ी है। लाइक देश में क्या चल रहा है, कुछ अलग, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। इतने सारे केसेस हो रहे हैं, उनसे भी कोई लेना देना नहीं है, और लेना देना है तो इनकी कहानी से, सचिन और सीमा की कहानी से, मतलब सीरियसली। एंड ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है भाई, इतनी कितनी सेविंग कर ली उसने कि वो 2-3 देश पार करके आ गई। आई कांट बिलीव, मेरे तो पूरे जन्म से मरण तक की सेविंग्स ऐसे नहीं हो सकती कि मैं एक देश से दूसरे देश, ऐसे एक देश से दूसरे देश भी तो नहीं, 2-3 देश नहीं, 2-3 देश एंड विद सम चिल्ड्रन। हां बताओ, वो अलग मानना तो पड़ेगा, हेड्स ऑफ मतलब। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो एक हाउसवाइफ थी सीरियसली, मतलब उसका इतना टाइम था कि वो पबजी खेलते पबजी में प्यार सीरियसली। एंड ये बहुत ही 4 बच्चों की माँ थी, हाउसवाइफ छोड़ो 4 बच्चों की माँ थी, वो पबजी खेलेगी यार सीरियसली? क्या है हमारी पब्लिक को, क्या होता जा रहा है? बाकी तो पता नहीं गाइस क्या है इनकी कहानी, बट बाद में पता चल ही जाएगा क्या है। मैं तो इसको मतलब पूरा जानना चाहूंगी बिल्कुल अच्छे से, किसके अंदर है क्या, कौन है ये सीमा हैदर पैदर। एंड तो तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे गाइस, तो अभी वीडियो में प्यार दिखाओ, हमारी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो।